ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भुला पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों बार बार आपको उसकी याद सताती है और फिर उसे याद करते करते रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं और कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग होने के बाद भी एक्स की याद क्यों आती है, इसके पीछे साइंस क्या है। दरअसल ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हमारे शरीर में दुर्लभ हार्मोन होते हैं और ब्रेकअप होने के बाद इन दोनों हार्मोन का बहाव रुक जाता है और इसके बाद दिमाग से एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। इन दोनों हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी वजह से मांसपेशियों में तनाव होता है, एक्शन हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को गुस्सा आने लगता है और कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ब्रेकअप करते वक्त कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मसलन ये दिल का मामला है तो कभी भी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अलग होने से पहले सोचने के लिए खुद को वक्त दीजिए। एक दूसरे को ब्लेम करने से बचिए। एक दूसरे के प्रति दिमाग में नफरत ना रखें। व्हाट नेक्स्ट इसको लेकर भी प्लानिंग करें। ब्रेकअप के बाद भी एक्स की याद आने के पीछे भी कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, जैसे बार बार पुरानी चीजों को याद रखना, सोशल मीडिया या मोबाइल में एक्स की तस्वीर देखना, अकेलापन महसूस करना, काम में मन नहीं लगना, कोई खास गाना सुनना या खास जगह पर अकेले जाना, करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं रहना। और इन सब की वजह से आप पर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, करंट रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुद को थोड़ा वक्त दें। किन वजहों से अलग हुए हैं उन्हें पॉइंट आउट करें। एक्स की नेगेटिव चीजों को नोट डाउन करें। इसके बाद तय करें कि अब दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना। एक्स के नहीं होने से लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हों उन पर फोकस करें। अच्छी किताबें पढ़िए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और ये सोचें कि इट्स ओके, जो हुआ अच्छा हुआ। तो इन कुछ आसान सी बातों को अगर आप अमल में लाएंगे तो यकीनन आप अपने एक्स को बार बार याद नहीं करेंगे।